यार आज मैंने 2 दिन के बाद अपनी गेम खोली एंड मुझे दिखा एक अजूबा। यस, क्लैश स्क्वाड कप वाज हेयर। एंड भाई आज इसके जो है क्वालिफायर्स होने वाले हैं, क्वालिफायर्स मीन्स मैचेस होने वाले हैं। एंड इसमें आपको कुछ ज़्यादा बड़ा प्राइस पूल देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन यस, ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएगा एंड बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक कस्टम कार्ड्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड यस, ये गरीना का एक हिंट है कि भाई क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट फ्यूचर में आ सकते हैं। एंड 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 अगर ऑडियंस ने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर में फ्यूचर मैप फुल मैप्स के साथ साथ हमें क्लैश स्क्वाड के टूर्नामेंट भी देखने को मिले। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने एक चीज़ देखी इसमें कि इसमें गन स्किन्स नो का ऑप्शन नहीं है। मतलब गरीना ने ये नहीं बोला हुआ कि इसमें गन स्किन्स एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। हो सकता है कि इसमें गन स्किन एट्रीब्यूट्स हों, तो उसको भी मैनेज कर लेना थोड़ा सा। एंड यस, अब हम बात करेंगे हाउ टू क्वालिफाई इन दिस टूर्नामेंट। तो यार इस टूर्नामेंट में खेलना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि भाई बहुत बड़ी बड़ी टीम्स आएंगी एंड भाई उनके साथ हमें खेलना होगा। तो ये बॉक्स हमें बताता है कि क्या होगा। हर एक ग्रुप होगा एंड उस ग्रुप में होंगी 8 टीम्स। यस, 8 टीम्स होंगी। एंड आपको नॉर्मल जैसा किसी भी हमें कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का भी हमें कोई फॉर्मेट होता है, जैसे कि बैडमिंटन का ले लो, तो वैसा ही होगा। पहले आपको क्वार्टर फाइनल्स होंगे आपके, जिसमें कि भाई 8 टीम्स खेलेंगी एंड 8 में से 4 टीम्स आगे जाएंगी। मींस दो दो के ग्रुप बनेंगे एंड उनमें से 4 ग्रुप्स में से कौन कौन जो टीम बुया निकालेगी वो 4 टीमें आगे जाएंगी। एंड फिर उन 4 टीमों के 2 ग्रुप्स बनेंगे एंड उनमें से जो बुया निकालेगा उन दोनों ग्रुप्स में से वो 2 ग्रुप्स फाइनल में जाएंगे। एंड फाइनल में जाके जो टीम बुया निकालेगी वो हमारे क्लैश स्क्वाड कप अपने अपने एक ग्रुप में जीत जाएगी। यस, आप ये नहीं बोल सकती कि मैं क्लैश स्क्वाड पूरे इंडिया का क्लैश स्क्वाड कप का विनर हूँ। ये ऐसा नहीं है कि भाई सारी टीम्स मिलके खेलेंगी, हर एक अलग अलग ग्रुप होगा। एंड भाई ज़रूरी नहीं है कि इसका आगे कुछ हो, बस इतना सा ही इसका ये। एंड भाई बहुत कुछ बड़ा प्राइस पूल नहीं है, बट यस, आपको ये एक हिंट है गरीना की तरफ से कि अगर आपने इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया एंड अच्छी सा खासी टीम्स रजिस्टर होती हैं इस पे, तो यस, फ्यूचर में आ सकते हैं क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट्स। एंड क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट्स अभी से ही हमें दिख सकता है कि भाई क्रेज थोड़ा सा तो है, क्योंकि यार एशिया ऑल स्टार्स में भी हमें क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट देखने को मिला था। हमारा जो ESPL है वो भी एक क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट ही है, उसके जो लेवल 3 लेवल 4 हैं वो सब क्लैश स्क्वाड में खेले जा रहे हैं। तो यस, क्लैश स्क्वाड भी धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स में आगे आ रहा है एंड हो सकता है कि फ्यूचर में आपको एक ई स्पोर्ट्स में क्लैश स्क्वाड देखने को मिले। तो यस, जितने भी क्लैश स्क्वाड प्लेयर्स हैं ये उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि यार हो सकता है कि अगर आपको फुल मैप अच्छा नहीं खेलना आता, बट यस, आपकी स्क्वाड क्लैश स्क्वाड में मचाती है या मतलब सारी टीम्स को मतलब मार देती है, तो यस, फ्यूचर में क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट्स आ सकते हैं एंड आपकी स्क्वाड वहाँ पे भी हाथ आजमा सकती है। एंड अभी तो ये इतना बड़ा प्राइस पूल नहीं है, इसका छोटे मोटे रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन यस, फ्यूचर में बड़े बड़े प्राइस पूल वाले क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट्स भी आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। एंड यस, ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में आज मैंने बताना था। बाकी क्लैश स्क्वाड का इतना कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट है, ये एक नॉर्मल हमें टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। टूर्नामेंट भी नहीं कहेंगे कि ये किसको एक लीग बोल सकते हैं कि भाई 8 टीमें होंगी, हर ग्रुप में उनमें से एक टीम जीतेगी और उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बस नॉर्मल सा टूर्नामेंट है, इसको फिलहाल तो हम ई स्पोर्ट्स से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये फ्यूचर में क्लैश स्क्वाड ई स्पोर्ट्स आ सकते हैं। एंड यस, बाकी जो फ्यूचर में होगा उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भाई गरीना के दिमाग में क्या चलता है वो किसी को नहीं पता। एंड यस, आज की वीडियो में इतना ही था। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक आप खेल सकते हैं मैचेस। एंड यस, आपको कुछ भी रैंडम टीम्स मिलेंगी एंड उनके साथ आपको खेल खेल के फर्स्ट पोजीशन पे आना है। एंड टिल देन मैं आपसे मिलूंगा मैं किसी और नई वीडियो में। एंड मुझे भी क्लैश स्क्वाड कप खेलना है यार, मैंने भी स्क्वाड बनाई है अपनी, तो मैं भी चला क्लैश स्क्वाड कप खेल लें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नई वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।